हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं ना बीटर इज बेटर समटाइम्स। आज हम बनाएंगे ऐसा ही कुछ। आज हम बनाएंगे मेथी के लड्डू, जो खाने में तो बीटर है पर हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कप घी गरम करेंगे। घी गरम हो जाने के बाद हम यहाँ पीसी हुई मेथी ऐड करेंगे। मेथी को मैंने दरदरा पीस लिया है, आप रेडीमेड पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और हम उसको घी में ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे एक कप दरदरा पीसा हुआ उड़द दाल आटा। वो बाजार में इजीली अवेलेबल है, आप घर पे भी उड़द दाल को पीस कर बना सकते हैं। और एक कप गेहूं का आटा, एक कप बेसन। सभी आटे को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें उसे स्लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक चलाते हुए पकाना है, ताकि उसका कच्चापन बिल्कुल ही निकल जाए। चलाते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और धीरे धीरे किनारियों से भी घी छूटने लगा है और आटा भी हल्का हो गया है। तो अब हम उसमें ऐड कर लेंगे एक कप जैगरी और उसको मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे। बंद गैस पे ही हम जैगरी को हिलाते हुए मिक्स करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में हमने ऐड किए हैं। अब हम 1 टीस्पून कोकोनट पाउडर, 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर सौंठ पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून खसखस या पॉपी सीड मिक्स कर लेंगे और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून मिक्स नट, कैश्यू एंड आलमंड, काजू और बादाम का पाउडर मैंने लिया है। और लास्ट में हम 1/4 टीस्पून पीपला मूल कंठोड़ा पाउडर ऐड करेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और उसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। आप यहाँ हल्का सा गर्म हो तभी लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एकदम से ठंडा होने पर मिक्सचर ड्राई हो जाएगा। फिर भी अगर बनाते समय थोड़ी सी भी क्रैक आ रही हो तो उसमें घी ऐड कर सकते हैं। अब हम लड्डू को कोकोनट पाउडर से कोट कर लेंगे। सेम वे में हम दूसरे लड्डू भी तैयार कर लेते हैं। मेथी में कैल्शियम रहता है तो वो बोन हेल्थ के लिए तो बेस्ट है, पर वो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है और स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए भी मेथी बेस्ट है। तो सेम वे में हमने सारे लड्डू प्रिपेयर कर लिए हैं। बहुत ही सिंपल, क्विक एंड न्यूट्रिशियस रेसिपी हमारी तैयार है, मेथी के लड्डू। तो कैसे लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले अगले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।